आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपने 8.2 का क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस कर चुका हूं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहले फोर्थ पार्ट क्या है, 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30। इसके चार ऑप्शन है, cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। तो देखिएगा, 2 tan 30 वैल्यू 1 by root 3 1 minus tan 30 का स्क्वायर 1 by root 3 का स्क्वायर 2 by root 3 1 minus 1 by 3 3 बन जाए 3 3 minus 1 2 by 3 2 by root 3 into 3 upon 2 2 to cancel 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 into √3 और upon √3, ये कैंसिल हो, √3 या तो cot 30 की वैल्यू होती है या tan 60 की, इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या सही होगा, सी tan 60। ये है आपका फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स अब देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिएगा थर्ड पार्ट में ये बताना है, sin 2a = 2 sin a किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, a की किस वैल्यू के लिए ये सही है ये बताना है। देखिएगा सपोज दैट पहले हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, a = 0, तो sin 2a = sin 2 into 0, ये क्या आ जाएगा, sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0। और देखिए 2 sin a = क्या आएगा, a की वैल्यू 2 sin 0, तो sin 0 की वैल्यू 0, तो वैल्यू क्या आ गई 0। यानी किसके लिए ट्रू है, a = 0 के लिए ये वैल्यू ट्रू है। ये आपका थर्ड पार्ट हुआ। ऐसे ही हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में देखिएगा, 1 minus tan square 50 tan 50 की वैल्यू 1 का स्क्वायर upon 1 plus 1 का स्क्वायर 1 minus 1 upon 1 plus 1 0 upon 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, टू टेन थर्टी यानी 2 into 1 by root 3 upon 1 plus 1 by root 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 by root 3 upon 1 plus 1 upon 3 2 upon root 3 upon 4 upon 3। देखिएगा 2 by root 3 into 3 upon 4 2 2 जा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 into √3 upon 2 √3, √3 कैंसिल √3 upon 2, इसकी वैल्यू होती है sin 60, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, देखिएगा √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 60, इसका आंसर आ जाएगा sin 60 डिग्री। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 2 था। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इफ tan a प्लस बी tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1 by root 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिएगा tan a + b = क्या गिवेन है स्टूडेंट्स, √3। तो देखिए tan a + b
और टेन में आप ये बताइए ए प्लस बी रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी की। स्टूडेंट से ध्यान दीजिएगा, यहां पर इम्प्लाइज दैट लिख करके आप लिखिएगा ए प्लस बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री फर्स्ट इक्वेशन, बट ये टेन और ये टेन कट ना करिएगा। फिर देखिए दूसरी कंडीशन, टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई रूट थ्री गिवेन है, तो हम लिख सकते हैं टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन थर्टी। तो फाइनली इंप्लाइज दैट ए माइनस बी इक्वल टू थर्टी डिग्री इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। देखिएगा ए माइनस बी इक्वल टू थर्टी, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, टू ए इक्वल टू नाइन्टी, ए इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री, ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब ए और बी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे 45 प्लस बी इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 60 माइनस 45, बी इक्वल टू 15, बी की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री, ए इक्वल टू 45, बी इक्वल टू क्या आ गया 15 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स बताना। जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। समझने के लिए देखिएगा, मैं समझा दूं पहले, ये स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स है। क्यों? सपोज दैट ए इक्वल टू मैं 30 ले लेता हूं, बी इक्वल टू 60, तो देखिए एलएचएस क्या होगा, साइन 30 प्लस 60 मीन साइन 90, दिस वैल्यू इज 1, क्लियर। उसके बाद आरएचएस में साइन 30 प्लस साइन 60 हमने रखा 1 बाई टू प्लस रूट 3 बाई टू, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं आएंगी, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एस थीटा। देखिएगा साइन जीरो वैल्यू जीरो, 30 की वैल्यू 1/2 और 45 वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2। तो देखे जैसे जैसे जीरो डिग्री की वैल्यू है, 30 की है, 45 की है, 60 की है, 90 की है, ये वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है, और फर्स्ट क्या था, फॉल्स। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, ये गलत है, क्योंकि पहले 1 होती है, फिर रूट 3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, 1/2, फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है, जीरो। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल, देखिए स्टूडेंट्स आप देखते हो ये केवल 45 के लिए वैल्यू सेम है साइन और कॉस की, अदर के लिए नहीं है, ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू जीरो, देखिए टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, आप देखेंगे जीरो होती है, तो कॉट जीरो इसका अपोजिट 1/0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। देखिए स्टूडेंट्स आज आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। हमने इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन में 8.2 जब स्टार्ट किया था वैल्यूज के बारे में बताया था, अभी वैल्यूज आए कैसे हैं इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। उस दिन हमने आपको वैल्यू लर्न कैसे करनी है ये बता दिया था, आज वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं कुछ वैल्यूज को। देखिएगा कैसे देखना है करना है, सबसे पहले हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, कैसा ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, और इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया डी,
ठीक है स्टूडेंट्स, और सभी साइड्स को मैंने क्या लेट कर लिया है, ए है, ए भी ए है, और ये क्या जाएगा ए बाई टू, ए बाई टू, दिस इज ए 90, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स 60 डिग्री। और पाइथागोरस थ्योरम से एडी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये देखिएगा, एडी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी का मतलब क्या हुआ ए स्क्वायर, और बी डी का मतलब ए स्क्वायर बाई फोर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3√3/2 ए। एडी की वैल्यू क्या आ गई √3 a/2। फिगर को मैं अलग से बना ले रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ए डी बी, दिस इज 60, ये 90 है, तो ये आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स 30। ये ए है और ये आपका √3 a/2 है और ये ए बाई टू है। अब इस फिगर की हेल्प से हम निकाल सकते हैं साइन 60 की वैल्यू, और सारी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकलेंगी, साइन 60 साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन 60 परपेंडिकुलर क्या है यहां पर एडी, हाइपोटेनियस एबी, साइन 60 एडी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स √3 a/2 और एबी का मतलब ए। तो फाइनली वैल्यू हमारे पास आ गई साइन 60 की, ए कैंसिल, तो √3/2, ये क्या आ गई वैल्यू √3/2, ये साइन 60 की वैल्यू। फिर आते हैं कॉस 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस 60 बेस क्या है ए बाई टू अपॉन ए, ए कट जाएगा तो कॉस 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ये थी साइन 60 की वैल्यू और ये कॉस 60 की वैल्यू, और रेशियोज बचे हुए हैं उनकी वैल्यूज भी देखिएगा यहीं से। अभी हमने केवल दो रेशियो निकाला है साइन और कॉस। अब हम बात करेंगे टेन, देखिएगा टेन 60, टेन 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एडी, बेस बीडी, टेन 60 एडी √3 a/2 अपॉन ए बाई टू कैंसिल, तो टेन 60 की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे √3। समझ आ रहे स्टूडेंट्स, जैसे हमने साइन कॉस टेन निकाल लिया उसी तरीके आप कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू फाइंड करिएगा। दैट इज द 60 वैल्यूज। अब हम डिस्कस करेंगे 30 के बारे में, देखिएगा साइन 30, यहां पर हम बात करेंगे साइन 30, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब 30 के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, मीन बीडी अपॉन एबी। तो स्टूडेंट साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी बीडी की वैल्यू ए बाई टू अपॉन ए, फाइनली साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे ही कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है एडी, हाइपोटेनियस एबी, तो कॉस 30 बेस क्या बेटा एडी,
एडी का मतलब क्या हुआ रूट थ्री ए बाई टू और एबी का मतलब ए हुआ, तो फाइनली ए कट जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू, ये हुआ साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू। ऐसे ही आप टेन 30 फाइंड करिए, यहां से आज हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज निकालना सीखा है। टेन 30 भी आप निकाल लेंगे, पर पेंडिकुलर अपॉन बेस ए बाई टू अपॉन रूट थ्री ए बाई टू, ए बाई टू ए बाई टू कैंसिल, टेन 30 की वैल्यू 1 बाई रूट थ्री आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये था 30 और 60 की वैल्यू, लेकिन अभी आपको बचा हुआ है 45 और 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।